उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। भाजपा इस चुनाव को जितना देखती है, हमेशा मौजूद है केंद्रीय मंत्री को तो चुनाव नगर निगम के आने वाले निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जो आरक्षण तर्ज पे जो कमिटमेंट हुआ क्षेत्र का, उसको लेकर चीजें होंगी, किस तरह देखते चुनाव को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव तो हो ही जा रहा है नगर निकाय का, और आरक्षण भी जल्दी आ जाएगा। तो जिस तरीके की सीटों का आरक्षण आएगा, उस तरह से जो है पार्टी प्रत्याशी करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर भारी संख्या में करती है, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे और सभासद भी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी जीत करके आएंगे। हमारी पार्टी लगातार सेवा ही संगठन के तहत काम करती रहती है, और जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में इंदिरा जी की सरकार है, पूरी तरीके से जिंदगी में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, डॉक्टर राम मनोहर जी का मिशन, दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन, पूरा करने का काम मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जी कर रहे हैं। एक सांसद हैं आप हैदराबाद से, वैसी जानती होंगे, उनका एक बयान आया है कि जो भाजपा है वो मुसलमानों के पहचान के खिलाफ है, चाहे वो दाढ़ी हो या टोपी हो या हलाल मीट हो, कैसा देखते हैं बयान को? वैसी जी तड़पड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मुसलमानों को बताने का प्रयास किया, चाहे वो लेकर के ज्ञानवर्धन मस्जिद को लेकर के हो, चाहे मदरसों की जाँच को लेकर के हो। आप देखे होंगे कि ज्ञानवर्धन मस्जिद पे मदरसों की जाँच पे आम मुसलमान निकल करके विरोध में नहीं आया, क्योंकि हर मुसलमान भी ये चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, पढ़े लिखे, उनके लड़के लड़कियाँ एक ज्ञान प्राप्त करके अच्छे इंसान बने। तो ओवैसी के इस भड़काव भाषण पे कोई टिके नहीं, तो अब वो टोपी और दाढ़ी लेकर के आएगा। पूरे देश में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी या अगड़ी मोदी जी या योगी जी कहीं पर भी दाढ़ी और टोपी को लेकर के कहीं पर कोई विरोध नहीं करते, ना कोई किसी का कुछ कहते हैं। सबकी अपनी आज़ादी है अपने अपने धर्म को मानने की, और अपने अपने हिसाब से जो जिसके धर्म ग्रंथ में कहा गया है उस धर्म ग्रंथ के हिसाब से अगर वो ईश्वर को याद करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना इसका विरोध करते हैं। तो चूँकि ओवैसी के भड़काने पर मुसलमान भड़क नहीं रहा, इसलिए वो देश इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ना मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना विकास की बात कर रहे हैं, ना उनके अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों के जो बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियाँ, वो दुनियावी शिक्षा प्राप्त करें और अपना नाम रोशन करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे मैनेजमेंट बने, लीडर भी अच्छे बने, और ये उनका जो समर्पण मुख्य धारा से जुड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, वो सबके लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि अभी जैसे मोहन भागवत जी भी अभी जा कर के हमारे उनसे मिले, मुस्लिम के धर्म को इसमें उनको परेशानी हो रही है, अब संघ भी जा कर के मुस्लिम धर्मों से मिलने लगे, तो ये देश के निर्माण की बात हो रही है। देश को एकजुट करके सन 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में एक विकसित भारत बनाने का, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में, हम शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में नंबर एक पर हैं। अभी हो पाएंगे जब सभी समाज के लोग, तो सभी समाज के सभी धर्म के लोगों को देश के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं अरविंद जी, इसमें परेशानी हो रही है। ओवैसी जी जैसे वही लोगों को बहकाने का बढ़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी कीमत पर मुसलमान भाई भड़कने वाला ओवैसी जी के जैसे लोगों के या और किसी के बयान से भड़कने वाला नहीं है, उनके धारा से जुड़े हुए देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। इस सांसद अहमदाबाद से सभी वर्मा ने कहा है, जिसे ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक इस तरह भारत में भी
तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अल्पसंख्यक होना चाहिए, किससे देखते हैं इसको? भारती जी को मैं क्या कहूँ, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वहाँ बनने जा रहे हैं, तो यहाँ नहीं बनाया है। वहाँ पर जो है कभी ब्रिटेन हमारे देश को राज करता था, गुलाम बना के रखा था, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों चाहे सब पे उन्होंने यहाँ गुलाम बना के रखा। आज पासा पलटा है, उसी ब्रिटेन पर भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री योग्य पाया है और चुनाव जीत करके आए प्रधानमंत्री। तो आज ब्रिटेन में इंडिया की हुकूमत, हमारे देश की, भारत देश की हुकूमत शुरू